सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें आपके दो चैप्टर्स मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, आपके पूरे 5 अध्याय हैं आपको पता है। तो आज की क्लास में हम तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले जो दो अध्याय थे आपके, पहला अध्याय था कंप्यूटर से परिचय और दूसरा अध्याय था कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बेसिक्स थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर में पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें, कंप्यूटर के लाभ हानि। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम किन चीजों से कंप्यूटर मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है उसके बारे में। ठीक है, आप सभी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उम्मीद है मुझे कि सभी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। पहला और दूसरा चैप्टर अगर आपने पूरा पढ़ा है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, तो अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं आगे भी चीजें। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आपके तीसरे चैप्टर में सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने हार्डवेयर पढ़ा था और सॉफ्टवेयर पढ़ा था, और सॉफ्टवेयर में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है उसके बारे में यह पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर होगा वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होगा। अब जो चीजें आपको पढ़नी है सब सॉफ्टवेयर ही है। तीसरा यूनिट जो है आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, चौथा जो आपका चैप्टर है वह है सामान्य एप्लीकेशन पे कार्य, और पांचवा जो आपका चैप्टर है वह डॉक्यूमेंट एवं प्रोफेशनल उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर। तो बाकी जो तीनों चैप्टर हैं वह मोटा मोटी आपके सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका प्रयोग और लाभ कैसे काम करता है, क्या क्या काम होते हैं इसके, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं यह आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके बारे में आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड उसमें सारी चीजें कैसे वर्क की जाती, कैसे फाइल फोल्डर मैनेजमेंट वाला काम होता है, और कैसे सिस्टम मैनेजमेंट होता है, सिस्टम प्रबंधन होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कैसे यूज किया जाता है। तो सारी चीजें यह आपको पढ़नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कनेक्ट करके आप बहुत सारी चीजें इसमें सीख पाओगे। ठीक है, आप डेली यूज करते ही होगे कंप्यूटर या मोबाइल, तो मैं दोनों के एग्जाम्पल से कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चलिए, इससे पहले कि अगर आपने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, पहले मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर आपका बेस है। ठीक है, लिंक जो है वह नीचे आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर के सामने का लिंक क्लिक करिएगा, सभी क्लासेस को आप देख पाएंगे, क्योंकि वह है प्लेलिस्ट का लिंक, और उसमें आपको सभी वीडियोस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर का पूरा कोर्स है वह पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसे शॉर्ट फॉर्म में OS बोला जाता है, ठीक है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह सभी बुनियादी कार्य करता है और परिधीय उपकरणों जैसे डिस्क ड्राइव प्रिंटर को नियंत्रित करता है। अब देखिए, आपको पता है कि कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स बाजार में मिलते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया। अब इन सबको आप ले आइए, सीपीयू को भी आप पूरे बेसिक से बना सकते हैं। ठीक है, जो उसमें मदरबोर्ड होता है उसमें सारी चीजें प्रोसेसर वगैरह लगा करके आप सीपीयू बना लोगे, लेकिन आप उस कंप्यूटर को तब तक नहीं इस्तेमाल कर पाओगे जब तक उसमें OS कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। अब आप ले तो आए, लेकिन आप कीबोर्ड दबा रहे हो तो कुछ उस पे आ नहीं रहा है, आप माउस क्लिक कर रहे हो तो कुछ कमांड जो है वह
कुछ वर्क नहीं कर रहा है कंप्यूटर, तो यह कैसे पॉसिबल होता है? कंप्यूटर कैसे आपको समझने लगता है, आपके दिए गए निर्देशों को समझने लगता है? यह समझता है उसको जो पहले निर्देश उसमें बैठाए गए हैं, उसके दिमाग में जो चीजें पहले से बैठाई गई हैं कि कोई यूजर अगर ऐसा करता है तो ये रिजल्ट देना है। तो ये सारी चीजें किसमें लिखी होती हैं? यह लिखी होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, कंप्यूटर तभी काम करता है जब उसमें कोई ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, फिर उसको कुछ नहीं पता होता है, उसको बोलने की ना कैसे व्यवहार करना है और कैसे खाना पीना, ये सारी चीजें कुछ नहीं पता होती हैं। वैसे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसे कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, उसमें जान डालने का, उसको सारी एटिकेट सिखाने का जो काम होता है वह क्या करता है? वह ओएस करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या चीजों पे क्या चीजें होंगी और आइकन्स कैसे दिखेंगे, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ओएस पे डिपेंड करती हैं। और ओएस के उदाहरण क्या हैं? लिनक्स, उबंतु, विंडोज, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, 11, iOS, क्रोम OS, डॉस आदि, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। ये क्या हो गया? ये विंडोज हो गया। ठीक है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और यह एप्पल कंपनी का मैक ओएस है, मैक ओएस है। ठीक, और यह मोबाइल्स में यूज होने वाला, इस समय दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल्स में यूज होने वाला एंड्रॉयड है। ठीक है, और यह है लिनक्स। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को कि ओएस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ओएस के एग्जांपल्स आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है और जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर का निरीक्षण नियंत्रण करते हैं तथा प्रयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयोगकर्ता सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा संप्रेषण संभव होता है। उपयोगकर्ता मतलब कि, या प्रयोगकर्ता मतलब यूजर, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्रयोगकर्ता। और यहाँ पे देखिए साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं कि कंप्यूटर में यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बिना काम नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आप यह भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का जो पहला सॉफ्टवेयर होता है वह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर की जान होती है, जिसपे सारी चीजें डिपेंड करती हैं, यह होता है ओएस। और एक अच्छा ओएस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि उपयोगकर्ता सभी काम को आसानी से कर पाए और सभी जितने भी संसाधन हैं कंप्यूटर के साथ, जितनी डिवाइसेस हैं, वह अच्छे से काम करें, सुचारू रूप से काम करें और सभी चीजों का अच्छा मैनेजमेंट जो है यह एक अच्छे ओएस की निशानी होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ओएस का काम क्या क्या होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्नलिखित कार्य हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाओगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम होते हैं। अब देखिए यह मुख्यतः 10 काम यहाँ पे हैं। देखिए 5 काम मैंने इस तरफ दर्शाए हैं और 5 काम इस तरफ दर्शाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? जो चीजें चल रही हैं, जो उपयोगकर्ता ने बताया है कंप्यूटर को कि हाँ ये काम करना है, तो उन कामों का जो मैनेजमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस मैनेजमेंट कहेंगे। जैसे स्कूल में, जैसे क्या क्या होती है स्कूल में सुबह बसेस लेने जा रही हैं स्टूडेंट्स को, फिर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर प्रेयर हो रही है, फिर उसके बाद स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, या स्कूल में पेरेंट्स आ रहे हैं फीस सबमिट करने, किसी टीचर से स्पेसिफिक मिलने या बच्चे से ही मिलने, तो ये सारी जो प्रोसेसेस चल रही होती हैं ये
इनको एक मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज करना पड़ता है। तो वैसे कंप्यूटर में भी एक मैनेजमेंट होता है, जितने प्रोसेस जितनी चीजें चल रही होती हैं, या दिन भर में जितना काम आपको होता है, जितना काम आपको सुबह से उठने के बाद होती हैं चीजें, तो आप एक मैनेज करते हो ना कि इतने टाइम में ये सारी चीजें कर लूंगा, पहले मैं ये कर लूंगा, उसके बाद ये कर लूंगा, फिर वहां मुझे जाना है, वहां चला जाऊंगा, फिर इनसे मिलना है, इनसे मिल लूंगा। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर में भी होती हैं, ठीक है। तो ये मैनेज करना किसका काम होता है? ओएस का। तो ये हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, अभी हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, अभी आप देखते जाइए। उसके बाद देखिए फाइल मैनेजमेंट, जो चीजें जो काम करके किसी फाइल को सेव किया गया है उसका मैनेजमेंट। फिर उसके बाद देखिए इनपुट या आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, मतलब इनपुट किस तरीके से लेना है यूजर से, ठीक है, ये सारी चीजें, और किस तरीके से आउटपुट दिखाना है। इसके बाद देखिए संचार कम्युनिकेशन, आपको पता है आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है यह, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हम पूरे दुनिया से जुड़ जाते हैं, और सभी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी को फाइल भेजना हो, किसी से बातचीत करनी हो, कोई मीटिंग अटेंड करना, तो ये सारी चीजें भी। और इसके बाद देखिए अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन। अब ओएस का काम क्या है? यह तो ओएस तो खुद में एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन अन्य सॉफ्टवेयर की जो आवश्यकता होती है, कोई स्पेसिफिक काम यूजर को करना है, प्रयोगकर्ता को कोई एक स्पेसिफिक काम करना है, उसको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो उसको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन तैयार करके दे। तो उस सॉफ्टवेयर को वह पहले इंस्टॉल करेगा, तो अन्य प्रोग्राम जो भी हैं कंप्यूटर में उनका भी एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होगा, ये देखना होता है इसको। इसके बाद देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, जितने सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें, सभी चीजों में मेमोरी का इस्तेमाल होता है, आपको पता है। तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज हमने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, तो इसका जो मैनेजमेंट है ये भी कौन देखता है? ओएस देखता है। इसके बाद देखिए कार्य प्राथमिकता चयन, कौन सा काम पहले करना है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया कि जितने भी काम है दिन भर में, वह आप प्रियोरिटी के साथ करते हो कि नहीं, मतलब ये काम पहले करेंगे फिर बाद में करेंगे, तो उसका भी चयन हो इसके द्वारा। फिर उसके बाद फाइल्स जो हैं, सारी चीजें जो हैं, उनकी सुरक्षा भी करना होता है, ताकि कोई डेटा, आज के समय में डेटा जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही नाजुक चीज है, यह समझ लीजिए आप। तो इसलिए सभी डेटा की सिक्योरिटी भी किसकी जिम्मेदारी होती है? ओएस की। और इसके बाद देखिए कमांड इंटरप्रेटर, इसमें क्या है? इसमें सभी जो भी कमांड्स, जैसे यूजर जो कमांड देता है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, वह तो अपनी भाषा में देता है, लेकिन मशीन उस भाषा को नहीं समझती है, तो उस भाषा को जो यूजर की भाषा है उसको परिवर्तित करना मशीन के भाषा में, ये किसका काम है? ये है मतलब अनुवाद करने का काम। कमांड इंटरप्रेटर को आप ऐसे समझिए कि यह है ट्रांसलेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, दसों प्रोसेस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए पहला जो काम है ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यह प्रक्रिया के लिए प्रोसेसर सीपीयू आवंटित करता है, और जब प्रक्रिया आवश्यकता नहीं होती है तो प्रोसेसर को डी आवंटित करता है। यह प्रोसेसर के ट्रैक और प्रक्रिया की स्थिति को बताता है। अब देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कहाँ होता है? आपको पता है जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है, वह होता है सीपीयू में, ठीक। अब ये जो प्रक्रिया है, कोई भी प्रोसेस होने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी? सीपीयू की। तो सीपीयू का सीधे सीधे मैनेजमेंट आप समझिए, प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब सीपीयू का मैनेजमेंट। कोई प्रक्रिया होनी है तो अभी सीपीयू खाली है या नहीं खाली है, या सीपीयू में कोई काम चल रहा है, तो ये सारी चीजें, इसका जो मैनेजमेंट होता है, सीपीयू किस स्थिति में है और कब कौन सा काम लेना है, यह जो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। दूसरा देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, तो यह मेमोरी प्रबंधन, कंप्यूटर मेमोरी को नियंत्रित करने एवं समन्वय करने की प्रक्रिया है, जो समग्र सिस्टम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अन्य सभी विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों में मेमोरी ब्लॉक को संदेश देती है। अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेमोरी से ही सारे काम होने हैं,
और अगर मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है, वह भी तेज हो जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा है फाइल मैनेजमेंट। तो यह संसाधनों का आवंटन और डी आवंटन करता है। यह सूचना, स्थान, उपयोग, स्थिति आदि का ट्रैक रखता है। सामूहिक सुविधाओं को फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यह जो फाइल मैनेजमेंट है, यह क्या करता है, जितने भी संसाधन हैं उनका आवंटन और डी आवंटन करता है, ठीक है। और सूचना कहाँ पे है, किस स्थान पे है और किस स्थिति में है, इन सारी चीजों का ट्रैक रखता है फाइल मैनेजमेंट। अभी किसी फाइल की आवश्यकता अगर आपको पड़ गई है, कंप्यूटर को किसी फाइल की आवश्यकता है, तो वह फाइल कहाँ है, किस एड्रेस पे है, ये सारी चीजें किसका काम होता है, फाइल्स को मैनेज करना फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। और यह कार्य किसका है, एक अच्छे ओएस का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद देखिए सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में स्टोर्ड डेटा और प्रोग्राम के को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क का होना आवश्यक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी किसकी जिम्मेदारी होती है, ये होती है ओएस की जिम्मेदारी। इसके बाद देखिए डिस्क मैनेजमेंट के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्यों का उत्तरदायी होता है। डिस्क मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती है, डिस्क की खाली जगह को मैनेज करने के लिए, स्टोरेज स्टैम्प को आवंटित करने के लिए और डिस्क शेड्यूलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए पांचवा जो काम होता है ओएस का, वह होता है इनपुट या आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। जब एक या एक से अधिक प्रोग्राम का निष्पादन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। अब देखिए सूचना आ भी रही है, कंप्यूटर को निर्देश भी मिल रहा है और कंप्यूटर को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट भी देना है, तो ये सारी चीजें मैनेज करने का काम किसका होता है, ये ओएस का काम होता है, ठीक है। और सभी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन चलता रहे, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, ओएस की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। यह काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके बाद देखिए छठवां है कार्य प्राथमिकता चयन, जॉब प्रायोरिटी सिलेक्शन। जब कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्यों को करने की मांग रिक्वेस्ट की जाए तो यह आवश्यकता अनुसार कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करता है, यानी कि कब कौन सा काम होना है यह डिसीजन किसका होता है। जैसे एक साथ कई सारा काम आपको दे दिया गया तो यह किसका डिसीजन होगा कि कौन सा काम पहले होगा, यह आपका डिसीजन हो गया, ठीक है। आपके अंदर जो चीजें हैं, समझ है, जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ओएस है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका दिमाग, तो यही है ओएस का काम क्या है, कार्य प्राथमिकता चयन, जॉब प्रायोरिटी सिलेक्शन। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन संचार, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम व यूजर के मध्य संचार करने में सहायता करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, जैसे कोई निर्देश आपने दिया कंप्यूटर को तो वह निर्देश अभी चल रहा है ये या क्या चीजें चल रही हैं, आपके निर्देश देने से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ये कम्युनिकेट करने का काम किसका होता है, ओएस का होता है, ठीक। इसके बाद देखिए आठवां है सुरक्षा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। यह डेटा व अलग अलग प्रोग्राम्स का इस प्रकार प्रबंधन करता है कि वह एक दूसरे में बाधा उत्पन्न ना करें। कई ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं जिससे अवैध यूजर कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकता है। देखिए जिस तरीके से आपको पता है कि डेटा आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से डेटा की सुरक्षा, जो फाइल्स हैं उनकी सुरक्षा, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और ये सारी चीजें प्रोवाइड कौन कराता है, ओएस प्रोवाइड कराता है। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन, एजुकेशन ऑफ अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यह अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे एमएस ऑफिस, फॉक्स प्रो आदि का संचालन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया कि अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, यह किसका काम होता है, तो ओएस का काम होता है। इसके बाद देखिए कमांड इंटरप्रेटर, यह यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस एवं आदेशों
का अनुवाद करता है। मैंने आपको पहले बताया ये ट्रांसलेटर का काम करता है, मतलब अनुवादक का। यह जो यूजर द्वारा दिया गया, जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आदेश होते हैं, उनका अनुवाद करके मशीन को बताता है कि हाँ यूजर कहना क्या चाह रहा है, क्या निर्देश दे रहा है। तो ये सारे चीजें हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखना है आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग एवं लाभ। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग और लाभ, यूजेस ऑफ एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या प्रयोग होता है और उसके लाभ क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से पॉइंट्स में अगर चीजें आप लिखते हो एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में चीजें आप कंक्लूड करने की कोशिश किया करिए। अब यहाँ पे देखिए प्रयोग और लाभ मैंने एक साथ आपको दिखा दिया, ताकि और अच्छे से आपको याद रहे, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर के मध्य अंतः क्रिया को सरल बनाने के लिए। अब जो भी चीजें चलती हैं, जो भी यूजर उपयोग करता है और जो भी वह काम कंप्यूटर से लेना चाहता है, इन सारी चीजों को आसान बनाना, इंटरफेस को आसान बनाना, सरल करना सारी चीजों को, यह किसका काम होता है, यह काम होता है ओएस का, ठीक है। तो ये हो गया प्रयोग। और अब लाभ देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखता है, यह एक लाभ हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक पावर ऑन करने पर कंप्यूटर के स्वतः संचालन में सहायता करता है। अब ओएस का प्रयोग क्या हुआ, जैसे ही आप पावर ऑन करते हो कंप्यूटर को, यह स्वतः जो है वह कंप्यूटर को स्टार्ट करने लगता है। किस तरीके से आपको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें यह बताने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लाभ क्या है इसका, सिस्टम परफॉर्मेंस का नियंत्रण करता है। तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा सिस्टम, अच्छा परफॉर्म करे, यह एक लाभ है। इसके बाद देखिए तीसरा है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को लोड करने तथा समय का निर्धारण करने के लिए। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, प्रोग्राम को लोड करने के लिए। ओएस का प्रयोग किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लोड करने में, और उसमें कितना समय लगेगा इसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, ओएस का द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम समय तथा स्रोत के बीच हिसाब रखता है। तो ये लाभ हो जाता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है और समय का किस तरीके से ध्यान रखना है, ये सारा जो काम होता है यह ओएस देख लेता है, यह लाभ है। इसके बाद देखिए चौथा है, इनपुट एवं आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाभ देखिए, ओएस त्रुटि पहचानने के उपकरण प्रदान करता है। कहीं अगर गलती हो गई है किसी काम में तो भी ओएस जो है वह त्रुटि पहचानने के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, डिवाइसेस हैं, यह ओएस प्रदान करता है। इसके बाद देखिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन को नियंत्रित करने के लिए, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं इसका प्रयोग उन सभी को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। अब प्रयोग को भी आप समझ पा रहे होंगे, क्या इस्तेमाल होता है ओएस का, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अभी मैंने आपको काम बताया है तो उसी से रिलेटेड है, आप लिख सकते हैं उसको। अब देखिए लाभ, सॉफ्टवेयर तथा यूजर के मध्य समायोजन स्थापित करता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक हैं। इसके बाद देखिए छठवां पॉइंट है, मेमोरी, मुख्य मेमोरी को उपयोग के लिए प्रबंधित करने के लिए। तो हमेशा जो प्रोसेस चलते रहते हैं वह किसमें चलते रहते हैं, मेन मेमोरी में चलते रहते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इसका जो प्रबंधन है यह भी एक इस्तेमाल है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद देखिए लाभ, प्रतिलिपि की समस्या को समाप्त करता है। तो किसी भी चीज की अगर कॉपी चाहिए होती है तो उसकी समस्या नहीं होती है, वह मिल जाती है। तो इस तरीके से प्रयोग और लाभ आप समझ पा रहे होंगे। प्रतिलिपि मतलब किसी भी चीज की जो कॉपी होती है वह आसानी से मिल जाती है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग एवं लाभ। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, पहला प्रयोग के आधार पे ऑन बेसिस ऑफ यूजर, दूसरा प्रोसेसिंग के आधार पे ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग।
जैसे आपने कंप्यूटर का प्रकार पढ़ा था, और कंप्यूटर के प्रकार में कंप्यूटर को दो आधार पे हमने बांटा था। एक तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के हिसाब से बांटा था, और दूसरा बांटा था आंकड़ों की तीव्रता, मतलब वह कितने तेजी से आंकड़ों को प्रोसेस कर पाते हैं। ये सारी चीजें दो तरीके से हमने कंप्यूटर के प्रकार को बांटा था। इसी तरीके से ओएस के जो प्रकार हैं वह दो बेसिस पे बांटे जाते हैं। पहला जो आधार बनता है वह प्रयोग के आधार पे, और दूसरा प्रोसेसिंग के आधार पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको समझ में आएगा। पहला प्रकार जो है ऑपरेटिंग का, प्रयोग के आधार पे जो बांटा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो देखिए तीन तरीके से बांटा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम लोग वर्गीकरण करते हैं प्रयोग के आधार पे, तो यह तीन भागों में बंटता है, तीन प्रकार में बंटता है। एक होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए दूसरा है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम, और तीसरा है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग सिस्टम। तो याद करना भी आसान है। देखिए सिंगल यूजर और सिंगल टास्क, मतलब एक बार में एक लोग इस्तेमाल करेंगे और एक ही काम होगा। और उसके बाद देखिए सिंगल यूजर और मल्टी टास्किंग, कई टास्क होंगे एक ही यूजर रहेगा। फिर उसके बाद देखिए मल्टी यूजर मल्टी टास्क। तो ये हो गया किसके आधार पे, कैसा प्रयोग आप करते हैं, कैसा प्रयोग किसी कंप्यूटर का किया जाता है, कितने लोग प्रयोग करने वाले हैं इस कंप्यूटर को, इस आधार पे जब उसमें ओएस का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है तीन प्रकार का ओएस, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, जब हम इस हिसाब से ओएस को डिजाइन करते हैं कि कितने लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और कितना टास्क एक बार में परफॉर्म किया जाना है, तो इस प्रकार से जब वर्गीकरण किया जाता है ओएस का, तो तीन आपको मिलते हैं। अब देखिए एक-एक करके हम लोग समझते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यह साधारण प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें एक यूजर ही कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है, और एक समय में केवल एक ही कार्य किया जा सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यदि डेटा टाइप करते समय म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो संभव नहीं होगा। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का डॉस एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में एक ही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे उस कंप्यूटर को एक बार में, और एक ही काम भी होगा उस कंप्यूटर पे अगर उसमें यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो वह केवल एक ही काम करेगा एक वक्त में, और एक ही यूजर के लिए काम करेगा। अब देखिए इसके बाद सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी यूजर तो एक ही होता है, परंतु एक समय में एक से अधिक कार्य वह कर सकता है। जैसे डेटा टाइपिंग करते समय प्रयोगकर्ता म्यूजिक भी सुन सकता है, इमेज स्कैन भी कर सकता है, या एक साथ कई फाइलें सिस्टम या प्रोग्राम ओपन कर सकता है। इस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज 98 XP 7810 उदाहरण है। ठीक, इसके बाद देखते हैं तीसरा जो प्रकार होता है ओएस का, वह होता है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक समय में एक से अधिक लोग द्वारा कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। इसका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते समय एक से अधिक यूजर सेंट्रल प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं, तथा प्रत्येक यूजर अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करते हैं। बैंक व शेयर टर्मिनल इस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिक्स लिनक्स विंडो 98 आदि उदाहरण हैं। अब देखिए ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, बैंकों में होता है। क्यों? क्योंकि एक समय पे बहुत सारे कार्य चल रहे होते हैं बैंकों में, और बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जिनको अलग अलग जानकारी चाहिए होती है, अलग अलग काम कराना होता है कंप्यूटर से। तो ये किस तरीके के ओएस का इस्तेमाल करते हैं, ये ओएस का इस्तेमाल करते हैं मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ओएस का, जिससे आसानी से काम हो पाए। ठीक है, तो ये जो ओएस का प्रकार आपने समझा, यह किसके आधार पे था, यह प्रयोग के आधार पे, मतलब किस तरीके का इस्तेमाल है उस तरीके से
हमने ओएस को बांटा, अब देखेंगे प्रोसेसिंग के आधार पे कितने तरीके का ओएस होता है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो प्रोसेसिंग के आधार पे ओएस के प्रकार हम लोग निर्धारित करते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इतने प्रकार में बांटा जा सकता है अगर हम बात करेंगे प्रोसेसिंग की, मतलब वह प्रोसेसिंग कैसे करता है। देखिए सबसे जो मेन काम होता है कंप्यूटर में वह आपको पता है कि प्रोसेसिंग का होता है। सब खेल जो है वह प्रोसेसिंग का ही है। कंप्यूटर का जो मेन काम होता है वह प्रोसेसिंग का होता है। तो अगर हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग किस आधार पे वह ओएस कर रहा है, इसमें अगर हम लोग बांटते हैं तो हमें यहाँ पे 10 प्रकार मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला देखिए सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, छठवां है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सातवां है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आठवां है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नौवां है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और दसवां है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके से 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलते हैं अगर हम प्रोसेस के आधार पे इनके प्रकार निर्धारित करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग के आधार पे वह है सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। सीरियल मतलब एक के बाद एक, सीरियल का मतलब यही होता है, सीरियल से आओ लाइन से आओ जिसे बोला जाता है ना, हाँ सीरियल से आओ लाइन से आओ, तो इसका मतलब होता है एक के बाद एक। अब अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा, पढ़िए इसको। इस सिस्टम में कार्यों को एक एक करके कंप्यूटर मेमोरी में दर्ज किया जाता है। जब तक एक क्रम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक दूसरे क्रम को शुरू नहीं किया जा सकता है, अतः पूर्ण मेमोरी एक बार में एक क्रम के लिए ही मान्य है। अब जैसे आपने कंप्यूटर को एक काम बताया, फिर दूसरा काम बताया, फिर तीसरा काम बताया, तो जब तक पहला काम नहीं खत्म हुआ रहेगा तब तक दूसरा काम शुरू नहीं होगा, और जब तक दूसरा नहीं खत्म हुआ रहेगा तब तक तीसरा नहीं शुरू होगा। तो ये क्या हो जाता है कि एक बार में सीपीयू एक ही प्रोसेस को अलॉट होता है, और उसके बाद जब वह फर्स्ट प्रोसेस जो पहला काम हमारे पास आया उसके बाद ही दूसरे काम पे फिर लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो एक के बाद एक कामों को निपटाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई काम 1 आवर का है, कोई काम जो है 1 आवर का है, और कोई काम 1 मिनट का है, कोई काम 1 मिनट का है। अब पहले यूजर ने ये जो पहला 1 घंटे वाला काम है वह 1 घंटे वाला काम दे दिया, लेकिन फिर 5 मिनट बाद उसको समझ में आता है कि हाँ ये एक छोटा सा काम था, यह भी हम कंप्यूटर को सौंप देते हैं। तो अब जब 5 मिनट के बाद वह सौंपेगा तो इसमें क्या होगा, फिर जब 55 मिनट पूरा 1 घंटे जब तक वह सिस्टम लेगा नहीं पहले काम पे, तब तक वह दूसरे काम को 1 मिनट वाले काम को करेगा नहीं। तो इस तरीके से बहुत वेट करना पड़ेगा दूसरे काम को जो जल्दी हो सकता था उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हानि भी आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोगकर्ता कंप्यूटर से सीधे प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ते हैं, प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने कार्य को ऑफलाइन डिवाइसेस जैसे पंच कार्ड तथा कंप्यूटर ऑपरेटर को जमा सबमिट करते हैं। प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए एक तरह के कार्य को एक समूह में रख कर चलाया जाता है। अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि बैच जैसे प्रायः कोचिंगों में होता है कि हाँ बैच चल रहा है, या ऑनलाइन भी आप पढ़ते होंगे तो बैच चलते हैं, ठीक है। जैसे एक तरीके के जो बच्चे हैं उनको एक साथ रखा जाता है और जो अलग तरीके के बच्चे हैं उनका अलग बैच बनाया जाता है, वैसे ही जो प्रोसेस को आसान करने के लिए इनको क्या सभी काम को उपयोगकर्ता से पहले ही काम समझ लिया जाता है और उनको बैच में बना करके यह ओएस जो है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जो कामों को है उनको जल्दी करने का प्रयास करता है। इसके बाद देखिए तीसरा इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जब एक से अधिक प्रोग्राम चल रहे हों तो भी
उस पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है जहां यूजर प्रत्यक्ष निर्देश देता है जो तुरंत प्रक्रिया के लिए योग्य होता है। ये निर्देश छोटे छोटे कार्य विवरण से बने होते हैं। यूजर सिस्टम के कई स्तरों पर इंटरैक्ट कर सकता है। यूजर को सिस्टम को प्रोग्राम के अनुसार गाइड करने में सहयोग करता है। तो अब जैसा कि नाम ही है इंटरैक्टिव, कोई चीज इंटरैक्टिव है तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिव होने का मतलब यही होता है कि आप कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो भी प्रक्रिया करेगी, ठीक है। तो ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम यह है, इंटरैक्टिव है, मतलब इसको अगर आपने एक काम दिया तो वह उस काम को लेकर के नहीं बैठेगा। अगर आप जिन चीजों पे लाइव काम कर रहे हो, जो जो चीजें आप बता रहे हैं, वो उन प्रोसेसेस पे भी चेंजेस करता रहता है और आपके बताए हुए अनुसार आपको गाइड भी करता रहता है, आपका सहयोग भी करता रहता है। तो ये हो गया इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए चौथा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग जैसा कि नाम ही है, और मल्टीटास्किंग का नाम आपने बहुत सुना होगा। मल्टी मतलब कि एक से ज्यादा, और टास्क मतलब होता है काम। तो मल्टीटास्किंग हो गया मतलब एक समय पे एक से अधिक काम करना। तो नाम से अब आप समझ गए होंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, एक समय में एक से अधिक काम करना, दो या दो से अधिक कार्य जैसे प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड्स, यूजर टास्क एक ही समय में संचालित किए जा सकते हैं, जैसे गाने प्ले करना, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करना आदि, ठीक है। तो एक समय पे एक से अधिक कार्य अगर यूजर करना चाह रहा है तो ये इस प्रकार पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकता है। इसके बाद देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रोग्राम एक साथ संपादित हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग के अतिरिक्त यह जटिल मेमोरी को संरक्षण तथा नियंत्रण को एक साथ प्रोत्साहित करता है। जब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और फाइल को साझा किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई प्रयोगकर्ता को सपोर्ट करता है। अब देखिए इसमें मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है कि कई सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है कि कई सारे टास्क तो परफॉर्म हो रहे हैं और कई सारे यूजर भी, प्रयोगकर्ता भी यह सपोर्ट करता है। अब इसके बाद देखिए छठवां है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्यूटर दो या दो से अधिक सीपीयू से अतिरिक्त रूप से संबंधित होते हैं तथा वे एक साथ कई प्रोग्रामों का निष्पादन करने की क्षमता रखते हैं। इस सिस्टम में विभिन्न स्वतंत्र प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश को एक ही समय में विभिन्न सीपीयू द्वारा निष्पादन करने का कार्य होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग कहाँ होता है? अब जैसे नाम पड़ गया मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कहाँ होता है? सीपीयू में। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी सीपीयू, इसका नाम आप एक तरीके से समझिए मल्टी सीपीयू। तो यहाँ पे बता भी दिया गया कि मल्टी प्रोसेसिंग में कंप्यूटर दो या दो से अधिक सीपीयू से आंतरिक रूप से संबंधित होते हैं, मतलब इनसे एक से अधिक सीपीयू जुड़ा होता है। जैसे किसी के पास दो दिमाग हो, तीन दिमाग हो, वैसे ये वो वाली बात हो गई, ठीक है। वे एक साथ कई प्रोग्राम को निष्पादित करने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे दो लोग मिल जाते हैं तो दो अलग अलग कामों को कर लेते हैं, वैसे जब अलग अलग दो सीपीयू मिल जाएंगे, तीन सीपीयू मिल जाएंगे, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे पास है जो कई सारे सीपीयू को कंट्रोल कर सकता है और कई सारे सीपीयू में एक साथ काम ले सकता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए सातवां है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर एक बार में एक से ज्यादा टास्क को पूरा कर सकता है। इसमें हर टास्क को बराबर समय दिया जाता है, इसीलिए इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। टाइम शेयरिंग मतलब टाइम को शेयर किया जा रहा है। अब जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, एक हावर एक घंटे वाला जो काम था और एक मिनट वाला जो काम था, अब इसमें क्या करता है? सीपीयू टाइम के हिसाब से काम करता है। देखिए कि सब भूल जाते हैं कितना टास्क हमारे पास आया है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, बस जितने टास्क आए रहेंगे ये देखेगा, जितने टास्क आए रहेंगे जितना काम करना रहेगा
उन सभी टास्क को यह क्या कर देगा कि एक एक मिनट दे देगा, ठीक है, सभी टास्क पे एक एक मिनट काम करेगा, फिर देखेगा कौन सा टास्क रह गया है, फिर उस पे काम करता जाएगा, जिन जो टास्क रह गए हैं फिर से सभी को एक एक मिनट देगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। और इसमें क्या फायदा होगा, इसमें जो काम पहले खत्म होना रहेगा, जिसमें कम टाइम लगेगा वह पहले खत्म हो जाएगा, और जो बचा रहेगा टास्क उस पर पूरी प्रोसेसिंग क्षमता लगा करके ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर लेगा, और वह भी काम समय रहते अच्छे समय पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फायदा आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में, किसी करेंट टाइम में जो समय चल रहा है उस समय की बात की जाती है। रियल टाइम मतलब जो समय इस समय चल रहा है, ये जो पल जिसमें आप मेरी बात सुन रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, रियल टाइम कहेंगे। तो रियल टाइम तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर किसी विशेष कार्य के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग में प्रोग्राम का परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाता है और इस परिणाम को अगली गणना में तुरंत प्रयोग में लाया जाता है। कोई भी कार्य जो निरंतर चल रहा है, जैसे किसी कारखाने में मशीन के किसी हिस्से को बनाया जाना या किसी प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाना, अथवा किसी हवाई जहाज की गति या दिशा का दृष्टि रखना, नियंत्रित करना, इस सभी कार्यों में रियल टाइम प्रोसेसिंग की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर इस दौरान आंकड़ों को संग्रहित करता है तथा उसकी गणना करता है और उसे स्टोर करके इनके परिणामों के आधार पर निर्देश देता है। अब रियल टाइम में जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देश दे रहा है, एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कोई हवाई जहाज को निर्देश देना है वह किस स्पीड पे जा रहा है, मौसम कैसा है, किस हाइट पे वह उड़ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, डेटा लेते हुए, और वेदर का डेटा लेते हुए कि कौन सा मौसम है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस रूट पे जाना चाहिए, ये सारी चीजों को जानकारी को प्रोसेस करने के बाद फिर उसको तुरंत जानकारी देना कि आप ऐसा काम करिए, ये क्या हो जाएगा, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए नवा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। टेनेनबॉम तथा वॉन रेनेससे के अनुसार वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा होता है जो उपयोगकर्ता को एक सामान्य केंद्रीकृत ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दिखाता है, किंतु यह कई स्वतंत्र केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू पर बढ़ता है। इसकी मुख्य अवधारणा पारदर्शिता है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटा हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे आपको आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग करता है तो यह आपको दिखाएगा कि हाँ आपका काम कर रहे हैं, लेकिन यह क्या करता है, साथ साथ और कई सारे काम भी करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए दसवां जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है वह है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर एक परिवेश प्रदान करता है जिसमें वे लॉगिन करके रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूजर रिमोट मशीन से डेटा अपनी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह मल्टी यूजर, यह रिसोर्स जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संसाधन, ठीक है, संसाधन, फाइल तथा सिक्योरिटी कार्य को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा संसाधन, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रिसोर्स, जो भी रिसोर्स किसे बोलते हैं, जो भी हमारे पास चीजें हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं रिसोर्सेस। जैसे अगर हम पर्यावरणीय रिसोर्सेस की बात करते हैं तो जो पेट्रोलियम होता है, जो भी खनिज लवण होते हैं या मेटल्स होते हैं जिनसे निकाला जाता है, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे रिसोर्सेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मतलब कोई काम हमको करना है उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, मतलब हमारे कंप्यूटर की क्षमता नहीं है वह काम करने की, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, यह आपको एक लॉगिन देते हैं जिसके द्वारा आप दूसरे रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं
और अपना काम करके फिर सारी चीजों को इस तरीके से जो भी डेटा है उनका उनको सिक्योर रखते हुए सारी चीजों को कर पाते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप समझ गए। तो यहाँ पे 10 जो प्रोसेसिंग के आधार पे हमने देखा 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपने देख लिया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्रयोग के आधार पे तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए हमने। तो इस तरीके से आज की क्लास में जो आपने चीजें सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का किन किन चीजों में प्रयोग किया जाता है, किन सेक्टर्स में, और इसका लाभ क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज क्लास में हमने देखी। उम्मीद है यह जो बेसिक क्लास थी ऑपरेटिंग सिस्टम की यह आपको समझ में आई होगी। अब आगे चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको पसंद आ रही होगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है, बिल्कुल मस्ट है। देखिए मैं आपके लिए लगातार लगा हुआ हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कम से कम अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और आप इसी तरीके से ही बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप अपनी कर पाए, ठीक है। अब इसी तरीके से सभी विषय हमने आपको पढ़ाए हैं, सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी विषयों को यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ सकते हैं या फिर आपको हमारा सहयोग करना है और अपने पढ़ाई को और बेहतर करना है तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की PDF और सभी सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी वीडियोस आपको हमारे ऐप पे बिना प्रचार के देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा और आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 सालों के सॉल्व मिल जाएंगे। पूरा एक ही क्लास में मास्टर क्लास मिलेगा और सभी जो आपकी सीरीज आती हैं सीरीज का PDF सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व हम आपको कराएंगे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरीके से पूरा आपका पूरा पैकेज फर्स्ट सेमेस्टर का सभी विषयों का आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्ले स्टोर पे जाकर के आप टारगेट UPTET CTET नाम है ऐप का, वहां से डाउनलोड करके आप फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स को परचेज करके सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।